भारत का तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 3 अब धीरे धीरे अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहा है। चंद्रयान 3 चांद के उस दक्षिणी ध्रुव के नजदीक बढ़ रहा है जहां अब तक किसी भी देश की पहुंच नहीं बन पाई है। भारत और रूस के बीच चंद्रमा पर पहले पहुंचने की होड़ लगी है। गुरुवार को चंद्रयान 3 का लैंडर अपने प्रोपल्शन सिस्टम से अलग हो गया, जिसका मतलब है कि अब वो धीरे धीरे चांद की सतह की ओर बढ़ रहा है। इसके साथ ही 23 अगस्त को चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर चांद की सतह पर उतरेगा और भारत एक नया इतिहास रचेगा। रूस का चंद्र अंतरिक्ष यान लूना 25 21 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है, यानी कि चंद्रमा के अज्ञात दक्षिणी ध्रुव की दौड़ तेज हो गई है और रूस का लूना 25 भी अगले सप्ताह चंद्रमा पर उतरने की तैयारी कर रहा है। दोनों यानों के चंद्रमा पर उतरने की संभावित तारीखों से संबंधित टकराव ने भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों में उत्साह बढ़ा दिया है। लूना 25 के चंद्र सतह पर उतरने की तारीख जहां 21 से 23 अगस्त है, वहीं चंद्रयान के उतरने की तारीख 23 से 24 अगस्त है। चांद का दक्षिणी ध्रुव चांद का वो इलाका है जहां अब तक कोई लैंडर सफलतापूर्वक उतर नहीं पाया। ये दोनों लैंडर चांद पर जमे पानी और किसी तरह के संभावित खनिज की तलाश करने के लक्ष्य के साथ चांद की तरफ गए हैं। चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई को प्रक्षेपण के बाद 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। चंद्रयान 3 को अलग अलग हिस्सों में डिजाइन किया गया है। चंद्रमा से गुरुवार को प्रोपल्शन मॉड्यूल अलग हो चुका है, वहीं विक्रम लैंडर चांद की ओर बढ़ रहा है। दुनिया भर की नजरें भारत के मिशन चंद्रयान 3 पर टिकी हैं। इसरो के एक अधिकारी ने कहा कि लैंडर को एक ऐसी कक्षा में लाने के लिए डीबूस्ट किया जाएगा, यानी उसकी गति को कम किया जाएगा। इसके बाद यहां से चंद्रमा की दूरी महज 30 किलोमीटर रह जाएगी। सबसे कम दूरी से ही 23 अगस्त को चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग होगी। लैंडर को 30 किलोमीटर की हाइट से चंद्रमा की सतह पर लैंड कराने की प्रक्रिया काफी महत्वपूर्ण होगी। विक्रम लैंडर में 4 पेलोड्स लगे हैं। पहला रंभा, ये चांद की सतह पर सूरज से आने वाले प्लाज्मा कणों के घनत्व, मात्रा और बदलाव की जांच करेगा, जबकि दूसरा चास्टे, ये चांद की सतह की गर्मी यानी तापमान की जांच करेगा। तीसरा है इल्सा, ये लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधियों की जांच करेगा, जबकि चौथा है लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे, ये चांद के डायनामिक्स को समझने का प्रयास करेगा। साल 1976 या कहें 5 दशक के लंबे अंतराल के बाद लॉन्च किए गए अपने पहले चंद्रमा मिशन में अगर रूसी अंतरिक्ष यान सफल होता है और आने वाली 21 या 22 अगस्त को सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंड कर जाता है तो चंद्रयान 3 को दूसरे स्थान से ही संतोष करना पड़ेगा। ऐसे में दुनिया भर के लोग ये देखने का इंतजार कर रहे हैं कि भारत या रूस में से कौन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपना लैंडर सबसे पहले और सफलतापूर्वक उतारेगा।